मैं किस्मत वाली हूं कि आप लोगों के समक्ष हूं, आप लोगों के सामने हूं और अपने दिल की बात कह पा रही हूं। वैसे तो बीच में वो स्क्रीन की छाया होती है, वो पर्दा होता है, आज वो पर्दा भी हट गया है, तो और ज़्यादा प्रसन्न हूं कि आपकी आंखों में आंखें डालकर सच कह पाऊंगी। मैंने पूछा मुझे क्या कहना है, तो मुझे कहा गया बस कह दो। तो मैंने कहा कोई विषय है, तो कि जो आप चुन लो वो विषय है। तो मैंने चुन लिया वसुधा का कल्याण, मैंने चुन लिया कि इस धरा का कल्याण। विषय अगर ये है तो कोई विचारधारा ले आए, चांद ले आए, सूरज ले आए, अगर देश प्रेम सर्वोपरि है तो फिर सब कबूल है, सब चल जाएगा। कोई विषय चल जाएगा, कोई समाज चल जाएगा, कोई धर्म चल जाएगा, कोई पंथ चल जाएगा, कोई लिंग चल जाएगा, अगर देश प्रेम है तो सब चल जाएगा। और ये मैंने कहीं और नहीं, इसी जमीन पर, हिंदुस्तान में, भारत में, हर आंखों में देखा है, उसे महसूस किया है, और वही काम मैं स्क्रीन पर भी करने की कोशिश करती हूँ। लोग कहते हैं आप कहते वक्त सोचती नहीं है, तो मैं कहती हूँ सोचती हूँ, इसीलिए कह पाती हूँ। और सोचती ये हूँ कि अगर आज मैं रुक गई तो फिर मेरे बच्चे रुक जाएंगे, मेरे बच्चों के बच्चे रुक जाएंगे। तो जो गलत है कह दो, और जो सच है फख्र से कह दो कि ये सच है। और यही मेरी कोशिश भी रहती है, और इतना प्यार इतना प्रेम मुझे मिलता है कि फिर मुझे पलट कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये आप लोगों का सम्मान है। आज जिस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूँ, मुझे याद है स्कूल में जब छोटी थी, पांचवी कक्षा में रही होंगी, तो हिंदी की मेरी बड़ी स्ट्रिक्ट सी टीचर थी, तो उन्होंने देवऋषि नारद जी के बारे में एक कहानी मुझे सुनाई, बच्चों को सुनाई, और वो कहानी मैं चाहती हूँ कि आपके समक्ष भी रखूँ। तो नारद जी तो आज तो क्या वाईफाई है, क्या 5G है, क्या 4G है, नारद जी ने तो उसका इस्तेमाल बहुत पहले ही कर लिया था, प्लेन व्लेन की ज़रूरत नहीं थी, वो टेलीपोर्ट करते थे, तीनों लोकों में जाकर अपनी बात कहते थे। तो कहानी ये शुरू होती है कि नारद मुनि अपने अंदाज में स्वर्ग लोक में घूम रहे थे, नारायण नारायण कहते हुए, तो अचानक उनको कुछ सूझी, तो उन्होंने भगवान का रुख किया और भगवान से कहा आपसे एक प्रश्न पूछूं। तो भगवान ने कहा पूछो। ये जानते तो थे कि नारद जी के मुंह से निकल रहा है तो पंगा तो होगा, लेकिन पूछो उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा भगवान ये बताइए कि आपका सबसे प्रिय कौन है, आपके हृदय में कौन वास करता है, कौन है जो जिससे आप बे इंतहा प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। तो भगवान मुस्कुराए और उन्होंने पृथ्वी की ओर देखा और वहां इंसानों का टोला था, इंसानों की बस्ती थी, कोई किसी काम में लगा हुआ था, कोई लकड़ी काट रहा था, कोई खेती कर रहा था, कोई अपने हिसाब का जो उस वक्त काम था वो कर रहा था, कोई महिला खाना बना रही थी। तो प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ये मेरे दिल में वास करते हैं, इनसे मुझे बड़ा स्नेह है। तो नारद जी को बड़ा गुस्सा आया, तो उन्होंने कहा कि आप मनुष्य की बात कर रहे हैं। तो प्रभु मुस्कुराए और प्रभु ने कहा मनुष्य की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा अरे नारायण नारायण मैं करता फिरता हूं, ऐसा कोई पल ऐसा कोई वक्त नहीं गुजरता कि मेरे मुख से नारायण नारायण ना निकले, और आपको प्रसन्न करता है मनुष्य, आपको पसंद आता है मनुष्य, आपका स्नेह मनुष्य से। तो प्रभु फिर मुस्कुराए, उनकी अपनी लीला, उन्होंने कहा कि इस मनुष्य को मैं छोड़ दूंगा,
तुम बस ये मेरा जो इम्तिहान है उसे पास कर लो। तो नारद जी ने बोला, ऐसा कौन सा इम्तिहान है कि मैं पास ना कर पाऊं? प्रभु आप कहिए करना क्या है। तो प्रभु ने देव ऋषि को कटोरा दिया बड़ा सा, और उसे एकदम एज तक दूध में भर दिया, और प्रभु ने कहा कि अब इसे तुम तीनों लोकों में लेकर घूमो, पर ध्यान रहे एक बूंद दूध की नीचे ना गिरने पाए। तो देव ऋषि ने कहा कि अरे ये क्या बड़ी बात हो गई, ये तो मैं चुटकियों में कर दूंगा। तो उन्होंने कहा फिर मिलते हैं। और नारद मुनि जी कटोरा थामे दूध से भरा लबालब तीनों लोकों का भ्रमण करके आ गए। प्रभु के सामने पहुंचे, प्रभु मुस्कुराए, कहा लौट आए। तो नारद जी ने तानी हुई भुओं के साथ कहा प्रभु लौट आया, एक भी बूंद ना गिरी? तो उन्होंने कहा ना, एक भी बूंद किसी लोक में ना गिरी। कहा ये तो बहुत ही गजब हो गया, इस बीच तुम मेरा नाम लेना कैसे भूल गए? तो उन्होंने माथा पकड़ा, उन्होंने कहा प्रभु ये तो बड़ी गलती हो गई, मैं सोच रहा था कि दूध ना गिरने पाए, मेरा तो सारा ध्यान दूध के कटोरे पर था, नारायण तो मुख से निकला नहीं। तो प्रभु फिर मुस्कुराए और प्रभु ने कहा इसीलिए मुझे मनुष्य पसंद है, वो जिंदगी की हर तकलीफ से जूझता रहता है, वो हर मुश्किल से हर रोज गुजरता है, उसकी जिंदगी के कटोरे में परेशानियों का दूध लबालब है, लेकिन फिर भी वो मेरा नाम लेना नहीं भूलता है। तो देव ऋषि भी मुस्कुराए, हाथ जोड़े और कहा प्रभु की लीला परम्पार है, नारायण नारायण, और मनुष्य भी कमाल है। तो आज जब मैं दिल्ली से यहाँ का सफ़र कर रही थी तो एक बार फिर से देव ऋषि नारद मुनि मेरी आंखों के सामने थे, मेरा बचपन मेरे सामने था, और वो बुज़ुर्ग हिंदी की टीचर जो इसी अंदाज में कहानी कह रही थी और मुझे लगता है इससे बेहतर कह रही थी वो, और मैं टकटकी लगाए उन्हें सुन रही थी और ये जानने की कोशिश कर रही थी कि कौन बेहतर होगा, मनुष्य के देव ऋषि नारद मुनि। लेकिन प्रभु की लीला, अब इसे आप कट्टू जोड़ दीजिए पत्रकारिता में, हाँ हमें करप्शन उजागर करना है, देश की नीतियों पर, तमाम तरीके की राजनीति पर, हर तरीके की कवरेज करनी है, क्राइम भी हो रहा है, महिलाओं के उत्थान की बात करनी है, समाज के कल्याण की बात करनी है, तो ये कटोरे में दूध है, लेकिन क्या इस बीच मैं इस धरा के कल्याण को भूल जाऊंगी? वो भी मुझे ध्यान रखना है। और एक पत्रकारिता का उसूल हमें सिखाया गया था, सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन सत्य हमेशा सुंदर हो ये जरूरी नहीं है। और जिस दिन मेरे पत्रकार बंधुओं ने ये समझ लिया, ये जान लिया कि सत्य कड़वा होता है और उसे पीना भी सीखो और उसे पिलाना भी सीखो, कई बार ये दुखी कर सकता है, लेकिन अगर सत्य को अपनाएंगे नहीं तो फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। वो कहते हैं या तो आप इस तरफ आ जाती हैं या इस तरफ आ जाती हैं, कोई ग्रे एरिया भी छोड़ दीजिए, लेकिन जब आप धरा की बात करते हैं तो वहां कोई ग्रे एरिया छूटता नहीं है, फिर तो सच होता है या झूठ होता है। और हर बार आज के दौर में मैं ये महसूस करती हूँ, क्योंकि आप सभी लोग सोशल मीडिया पर होंगे, आप कुछ लिख दीजिए आपके ऊपर बौछार होने लगती है, प्यार कम होता है नफरत की बौछार ज्यादा होती है। तो क्या वो
आपको कुछ कहने से रोक देगा, ये आपको तय करना है। क्या उन गालियों से आप सत्य सामने रखना छोड़ देंगे, ये आपको तय करना है। और मैं हमेशा अक्सर जहां जाती हूं ये कहती हूं कि मैं आइसक्रीम नहीं हूं कि जिसे देखकर जिसे सुनकर हर कोई खुश हो जाए। मैं एक पत्रकार हूं और पत्रकारिता में दो पक्ष ही होते हैं। अक्सर ये सिखाया जाता है कि पत्रकारिता में आपको अनबायस्ड होना चाहिए। बहुत लोग मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन मुझे ये कहना आप लोगों के सामने जरूरी है। जब देश की बात आएगी, वतन की बात आएगी, तो इसमें अनबायस्ड कोई कैसे हो सकता है? एक आतंकवादी दनादन गोलियां चला रहा है, आप निष्पक्ष हो जाएंगे? एक 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, आप निष्पक्ष हो जाएंगे? आपको पक्ष तो लेना होगा ना। या आप जो कहते हैं कि इन मसलों पर निष्पक्षता चाहिए, इन मसलों पर निष्पक्षता कैसे हो सकती है जब वतन की, जब धरा की, जब लोकतंत्र की, जब हिंदुस्तान की, जब भारत की बात आती है, तो इसमें निष्पक्षता कैसे हो सकती है? कोई माइका लाल मुझे बता दे कि नहीं, निष्पक्षता के नाम पर वो हिंदुस्तान को एक तरफ कर देगा और वो दूसरी तरफ खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में अगर कोई कह दे कि आप निष्पक्ष नहीं हैं, तो मुझे कबूल है। अगर हिंदुस्तान के साथ खड़े रहना, उसके मूल्यों के साथ खड़े रहना, उसके लोकतंत्र के साथ खड़े रहना निष्पक्षता नहीं है, तो मुझे कबूल है। और उन तमाम पत्रकार बंधुओं से ये बात मैं बहुत साफ तौर पर कह देना चाहती हूं कि जिस दिन आप बेझिझक, बगैर किसी डर के, बेखौफ होकर अपनी बात रखने लगेंगे, तो फिर आपको तालियों की दरकार नहीं रहेंगी, फिर मुख से दुआएं ही निकलेंगी, आशीर्वाद ही निकलेगा। और फिर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं जाऊंगा तो 4 लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे। उन तालियों की दरकार मत रखिए, बाहर से लोग क्या कहते हैं वो मत सोचिए, ये सोचिए कि इस वक्त इस जमीन को किस चीज की जरूरत है। इस जमीन को निडरता की जरूरत है, इंस्पेक्शन की जरूरत है, आत्मचिंतन की और मंथन की जरूरत है। और फिर मैं कह रही हूं, कोई विचारधारा हो ना, किसी को चांद पसंद है, कोई ना, किसी को सूरज पसंद है, कोई ना, पर है तो धरा ही के ना, है तो धरती ही के। और जब तक वो धरती में सम्मिलित है, वो चांद हो के सूरज हो, वो हमारे हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। अपनी बात को मैं यहीं विराम देती हूं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि मेरे जैसी उन तमाम आवाजों को आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। और जब तक आपका आशीर्वाद रहेगा, जब तक हिंदुस्तान की जनता की आंखों में जो ऐसी चमक मैं देख पा रही हूं, चमक रहेगी, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आकर अपनी बात रखने की। ऐसा लग रहा था जैसे मैं नहीं, दो मन आपस में बात कर रहे हो, दिल से दिल तक एक बात पहुंची हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।